सीआईबी न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली स्थित महिला थाने में महिला सशक्तिकरण की भावना को लेकर आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मान, सुरक्षा, स्वरक्षा में महिलाओं, युवतियों, छात्राओं और किशोरियों ने भागीदारी की। आजमगढ़ जिले के महिला थाने में आयोजित सम्मान, सुरक्षा एवं सुरक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही युवतियों और किशोरियों और छात्राओं के लिए भी किसी भी आपात स्थिति या मुसीबत पड़ने पर 100 नंबर 1090 महिला थाने का सीयूजी हेल्प लाइन नंबरों की मदद लेने की सलाह दी। इसके साथ ही कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ये एनजीओ की बच्चियां हैं, उसमें मैक्सिमम नाबालिग ही बच्चियां हैं और 12 से लेके 18 के अंदर ही हैं। तो हमारे पास 30 बच्चियां आई थी, उनके प्रशिक्षक भी आए थे और वो बच्चियाँ आई थी तो उनको जो पुलिस की जो भी सहायता है उसके बारे में हमने उनको बताया था, उनको ब्रीफ किया गया था अपने थाने पर ही। उनको बताया गया कि आपको कोई परेशानी किसी तरीके की होती है स्कूल जाते समय, कॉलेज में, रास्ते में या घर में, जो भी हमारी पुलिस की सुविधाएं हैं जैसे 1090 है, डायल 100 है या ओपी कॉप है और 1090 का ऐप है, उसमें आप ऑनलाइन भी कोई अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, उसका निस्तारण भी आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको कोई मतलब नाम और ये सब गोपनीय रखा जाएगा 1090 में। सम्मेलन में दूर दराज से आई महिलाओं, युवतियों और छात्राओं ने महिला थाना अध्यक्ष द्वारा बताए गए शासन की योजनाओं और आपात स्थिति में दिए गए सुझावों को ध्यान से सुना और उसका प्रचार प्रसार करने का आश्वासन भी दिया। छात्राओं का कहना है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाते समय उन्हें लड़के कमेंट्स करते हैं लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। अब उन्हें जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से अब वह ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएंगी। सर, रास्ते में जैसे लड़के छेड़छाड़ करते हैं और जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाते हैं जब तक प्रॉब्लमें रहती हैं सर। और यहाँ पे आने के बाद हमें काफ़ी जानकारी मिली है, 181 और 1090 और काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं सर। यहाँ के आने के बाद महिला पुलिस से हमें मिल के अच्छा लगा। मतलब लड़के होते हैं कॉमेंट्स करते हैं या फिर बाइक से जाते हैं तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और फिर जैसे छेड़ते हैं कभी, मतलब कुछ पत्थर वत्थर मार देते हैं, ऐसे छेड़ के चले जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बाइक से जाते हैं वो सब। तो यहाँ पे क्या जानकारी मिली? यहाँ पे आके हम लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली है जैसे 1090 से, उस पर हम लोग कॉल करेंगे तो महिला पुलिस हम लोग की हेल्प करेगी, हेल्पलाइन मतलब, और जो हम लोग के पास के थाने होते हैं उसमें भी हम लोग को बहुत सारे हेल्प मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।